कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह के बज रहे 8:30। तो आज का व्लॉग मैं 8:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पे एक भी एक्स्ट्रा व्लॉग नहीं पड़े हैं। तो जी यहाँ पे हम आ गए हैं नीम के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि मेरे काढ़ा बनाने वाले पत्ते सारे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए आज हम लेने आए हैं। तो 2-3 दिन के ले लूँगी मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि रोज़ रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता, इनको काम पे जाना होता है। बब्बू को छोड़ने तो आते नहीं है, इसलिए ये जल्दी निकल जाते हैं अपने ऑफिस। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और ले लो, बड़ी सी ना ले रहे, चलो रहने दो। तो जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ शीशम के पत्ते। तो मैं 3 वैरायटी के पत्ते लेती हूँ, एक शीशम के, एक अशोक के और एक नीम के। तो नीम से क्या होता है कि नीम से बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं हमारी, और शीशम से क्या होता है कि फैट भी हमारा कम होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ी रहती है, मतलब करोना नहीं हो सकता आपको। और सेकेंड अशोक से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो भी मेरे को किसी ने बताया मैं वो ले लेती हूँ। तो जी मैं तो नहीं जानती, लेकिन आप देख के मुझे बताओ कि मेरा फैट कम हो रहा है ना। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि तेरे हाथ बहुत पतले पतले हो गए। आप बताओ मेरे को देख के कि आपको लग रहा है कि मेरा फैट कम हो रहा है ये काढ़ा पीने से। अगर फैट भी कम हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम करोना वरोना के लिए पी रहे हैं, बस फैट कम हो जाए वही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड अशोक का तोड़ रहे हैं। तो ये है अंदर की तरफ स्कूल है, स्कूल भी है और मंदिर भी है। तो डर भी रहे हैं, मतलब मैं वो नहीं डर रहे बिल्कुल भी, मैं डर रही हूँ कि रहने दो, कोई आ जाएगा जल्दी तोड़ लो। तो यहाँ पर वो अशोक के पत्ते तोड़ रहे हैं, ये है हमारे नीम के और अशोक के पत्ते, ये लो। और ये मेरा दूध। तो जी आ जाइए, ये आपका दूध। तो यहाँ पे है रस। तो बच्चों ने तो सुबह ही सुबह पी लिया था, मैंने इनको दे दिया था, अभी बस हम लोग रह रहे हैं, हम भी पी लेते हैं फटाफट से। उसके बाद मैं दिखाऊंगी ऊपर फूल खिले या नहीं खिले, क्योंकि अभी मैं गई नहीं हूँ जब से एक्सरसाइज करके आई हूँ ऊपर से। देखती हूँ अभी जाके, फिर आपको भी दिखाऊंगी हैं खिले होंगे तो। तो जी देखिए यहाँ पे थी इंटरलॉक की मशीन, जो कि हम ठीक कर रहे हैं, आने के लिए देके आ गए हैं। अभी इस वाली मशीन को भी खोलेंगे, इसको भी लेके जाएंगे, जब इसको लेके आएंगे तो इसको लेके जाएंगे, फिर दोनों को करा के साथ में ले आएंगे। बब्बू ने सुबह तो दूध पी लिया था, अब हमारे साथ भी इसने ठोंग मार ली। बब्बू गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, दूध बाहर निकाल के बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, तेज बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो जी आइए चलते हैं ऊपर, दूध पी लिया हमने। तो आज फूल ज़्यादा निकले नहीं है बिल्कुल भी, और पानी रात को डाल दिया था मैंने। एक्चुअली में ना बारिश का मौसम नहीं है, बारिश आई थी ना बीच में तो कैसे खिलने लग गए थे मस्त मस्त, और अभी बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं हो रहा है तो फूल भी नहीं खिल रहे हैं, क्योंकि इतनी धूप है, धूप में क्या फूल खिलेंगे। बहुत तगड़ी वाली धूप है, पता नहीं एक दो बारिश हो जाती ना, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं एक भी बारिश नहीं हुई है। वैसे छुट्टियाँ पड़ने वाली थी, जब एक दो दिन पहले कितनी तेज वाली बारिश हुई थी, लेकिन अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, भगवान जी प्लीज़ क्या ही करके मानोगे। तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाए ना मैं तो नहा लूँ बारिश में, सच्ची बता रही हूँ। हवा बहुत प्यारी। तो आज है एकादशी है, आज बहुत बड़ी वाली एकादशी है, वो होता है ना मीठा रूपजा का पानी, वो बट रहा है। मैंने देखा था जब मैं पत्ते ला रही थी ना, तो गलियों में पूरे में ना वहाँ पे पानी भर भर के रखा हुआ था और घोलने लग रहे थे चीनी वगैरह। तो कल हमारे सामने भी बटा था, तो वो 2 डब्बी भरवा ली थी मैंने, अभी 1 डब्बी तो रखी हुई है फ्रिज में, एक हमने पी ली। तो
पूड़ी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा, लेकिन पूड़ी सब्जी का भंडारा नहीं हो रहा, पानी पानी वाला हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। मैं बोल रही थी हस्बैंड से, मैंने कहा आप जॉब पे जाओगे ना, कहीं भी हो रहा हो, कहीं भी बीच में ना भंडारा, तो प्लीज़ मुझे लेके जाना, मैं खाऊंगी ज़रूर। बहुत दिन हो गए पता है, बहुत मन कर रहा है पूड़ी सब्जी खाने का, भंडारे वाली। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, चलते हैं नीचे, मशीन लेके आऊँगी तब सिलाई करूँगी। तो मैं ना मनीषा के यहाँ गई थी, तो मैंने कुछ भी सूट नहीं करा, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली में मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, उसके हस्बैंड भी थे, उसके सासू माँ भी थी, तो मैंने ऑन नहीं करा कैमरा। तो उसकी सासू माँ ने ना दो कपड़े दिए थे मुझे कि सेम मनीषा का और अपना बना लेना, तो मैं उसी में से ना अपना गाउन बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगी गाउन, पूरा रिव्यू मैं उस दूसरे वाले चैनल पर दिखाऊँगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, खाली ऊपर का ना ये चीज़ कम्प्लीट हुई है यहाँ तक बस, और अभी नीचे का कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मशीन ख़राब हो गई इंटरलॉक की। तो मैंने कलियों वाला बनाया है, तो सारी कलियों में मुझे इंटरलॉक करनी है, तो इस वजह से मैं उसको कलियों को जोड़ नहीं रही हूँ, मैं इनका पहले जोड़ने से पहले इंटरलॉक कर दूँगी ना, तो ज़्यादा सफाई आएगी, तो इस वजह से ना अभी देखते हैं, जाएंगे थोड़ी देर में मशीन ले आएंगे, फिर मैं इंटरलॉक करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी वो गाउन, है ना। बहुत ही सुंदर सा गाउन बना रही हूँ, यूट्यूब से ही देखा था वो मैंने किसी को पहने हुए, तो बहुत ही सुंदर सा पहली बार बनाने की कोशिश की है। अगर सही बन गया ना तो फिर मैं हैवी सा कपड़ा लाके और अपने राखी के लिए ना ड्रेस बनाऊंगी सेम तीनों की, और फिर हम राखी पे जाएंगे दिल्ली उसको पहन के, और भी कपड़े दिए थे उसकी सासू माँ ने। एक्चुअली में उसकी सासू माँ की दुकान थी पहले, पहले थी या अब है इतना नहीं पता मुझे, तो उसमें से ना कपड़े उनके बचे हुए थे बहुत सारे, तो तुलिका के लिए ड्रेस बनाने के लिए भी दिए हैं उन्होंने, तो तुलिका की भी जब बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरे वाले चैनल पर सारी सिलाई मैं डालूंगी जो भी मैंने सिलाया। तो चलते नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पास कहीं से भंडारा मिल जाए मज़ा आ जाएगा खाने के। चलिए कोई बात नहीं, गाइज मेरी ड्राइंग तो देख लो क्या तगड़ी है, दिख रहा है आपको कैसे बनाया मैंने, दिख रहा है सही बनाया, अभी आपको दिखाती हूँ किसमें से देख के बनाया, बताना बनाया सही कि नहीं बनाया। ये देखिए ये वाला बनाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बस ये बड़ा है वो छोटा है, आप बताना मैंने सही ड्राइंग बनाई है या नहीं। जब ना मैं छोटी थी ना तो मेरी क्लास में मैं फर्स्ट आती थी हमेशा ड्राइंग में, ड्राइंग में बहुत मतलब सही था मेरा हाथ ना, सफाई बहुत थी ड्राइंग में मेरी, लेकिन अभी पता नहीं मैंने कैसे बनाई, बहुत दिन हो गए क्योंकि अब मैं कुछ भी बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए पता नहीं कैसा बनाया। हट्टी बनाती हट्टी, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा, आपको कैसे लग रहा बताना ज़रूर। बहुत दिन हो गए ना, अभी हाथ चल नहीं रहा है उस तरीके से जैसे पहले चलता था, बहुत ही मतलब फिनिशिंग वाली ड्राइंग रहती थी पहले मेरी, अभी पता नहीं कैसी हो गई। तो चलिए इसका प्रोजेक्ट बनाना था वो मैंने बना दिया है, अब ये लिख लेगी अपने आप नाम, वरना राइटिंग चेंज हो जाएगी तो इसकी मैम भी फिर डांटेगी इसको, बस मैंने बना दिया है, इससे बन नहीं रहा था तो मैंने बना दिया है। तो जी यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको बब्बू की राइटिंग, क्या कीड़े मकोड़े मारे हैं इसने, अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देख रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसने क्या क्या लिखा है, तेरे को आ रहा बब्बू समझ में, लिखो आ रहा कह रही है नहीं आ रहा, हाँ अभी कहा था तूने नहीं आ रहा, जब तू तुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो हमें कैसे समझ में आएगा ये बता, हैं जब इसे ही नहीं आ रही अपनी राइटिंग समझ में तो हमें क्या आएगी। चल ना मैं मिटाऊँ अच्छे से, ये जो पहली लाइन है ना ये सही लिखी है तूने और बाकी में गचड़म मार दिए। इनका हॉलीडे होमवर्क करवा रही हूँ, काफ़ी सारा हॉलीडे होमवर्क दे दिया है, छुट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे लगे रहे हैं घर में, और सही भी है ये घर में करते ही क्या है, उधम करते हैं पूरा दिन,
काम में लगे रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगी। नहीं। पढ़ने में बहुत ज्यादा आराम खो रही है लड़की। नहीं, नहीं है ना? नहीं। कह रही है नहीं हूँ। पागल लड़की। यहाँ पे इसकी मोटर निकाल के तब ले जाएंगे। मोटर निकाल दिए। अब इसको लेके चलेंगे, कैसे निकलेगी पता नहीं। लो जी निकल भी गई। यहाँ देखिए इनको कितने मिसमिसी आ रही है काम करने में। तो मैं ही कर दूंगा सर भी। कर दो तो आप ही कर देंगे। तो ये दे। यूं करने में साफ ही है। और कुछ ना करना है क्या करना है? नीचे ला के रख लिए। पता नहीं कैसे ले जाऊंगी, काफी भारी है। मुझे ही पकड़ के बैठना पड़ेगा, ये तो चलाएंगे बाइक। तो जी देखिए यहाँ पे हम निकल गए हैं मशीन को लेके। तो रोड इतने ख़राब हो रहे हैं, मशीन ना बार बार चुभे जा रही है बहुत ज़्यादा, और कपड़े भी मेरे काले हो गए हैं क्योंकि तेल डालना होता है मशीन में रोज़, तो वो काला पड़ जाता है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे रोड हमारा बनने लगा है, बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और उस दिन देखो मट्टी फैली थी और रोड़े नहीं बिछे थे, आज रोड़े भी बिछ गए हैं आप देख सकते हो। क्या बोलते हैं, रोड़े बोलते हैं या पत्थर बोलते हैं जो भी। तो जी हम चल दिए हैं। तो हमें रास्ते में रूबजा भी मिल गया था। ये देखिए यहाँ पे रूबजा बट रहा था, तो हम रुक के और रूबजा पीने लग गए थे। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम दुकान पे मशीन ठीक कराने के लिए। तो देखिए भैया देख रहे हैं हमारी मशीन हो जाएगी या नहीं। तो ये है हमारी दूसरी वाली इंटरलॉक वाली मशीन, ये वाली छोटी सी, और यहाँ पर भैया ठीक कर रहे हैं। तो जी यहाँ आते वक्त भी हमें और दूसरे वेराइटी का रूबजा मिल गया ऑरेंज कलर का, तो हमने वो भी पी लिया। तो हम पहुँच गए हैं घर पर। ये लीजिए लग गई हमारी मशीन। अब इसकी मोटर लगा देते हैं फटाफट से। दो 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 दो। सो गाइस देखिए भून के मैं ले आई हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। जब से हमने मशीन सेट की है ना, तब से बज गए हैं। 3 बज गए होंगे या 4 बज गए होंगे, बताओ ना। 4 बज गए हैं और शायद 12:30 बजे हमने मशीन सेट की थी, तब से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मैंने सोचा था वो कुर्ता गाउन जो बना रही हूँ मैं वो कंप्लीट कर लूँ, ना तो लेट ने दिया लाइट ने और ना ही सिलाई करने दी। अभी तक लाइट नहीं आई और इतनी गर्मी में ही हमने भुट्टे भून लिए खाने के लिए। इतने दुखी करती है ना लाइट गर्मी में, बहुत ज्यादा। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। पानी ठंडा कहाँ से होगा जब लाइट नहीं है? ठंडी बोतल वहाँ ले जाते, नीचे वाले में। तो जी जब हम मशीन ठीक करा के वापसी आ रहे थे घर पे, तो मतलब बगल में ही हमारे रूबजा बट रहा था, तो उन्होंने बोतल भर के दे दिए, तो वही हम पी रहे हैं। वैसे तो घर में बनाना पड़ता है लेकिन आज बना बनाए मिल गया। तो आप भी आ जाइए, आपके लिए भी है, क्योंकि 2 लीटर की बोतल है, हमसे इतनी तो पिएगी नहीं। आधा आधा एक एक गिलास पीने वाले लोग हैं। तो जी देखिए आइए आपके लिए, आप भी पी लीजिए। तो जी हम पी लेते हैं रूबजा, उसके बाद मैं इस वीडियो का एंड करूंगी क्योंकि वीडियो होगी काफ़ी लंबी, आप भी हो जाओगे बहुत ज़्यादा बोर। नकली है नकली, ये पैसे हैं। तो जी आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर से ऐसी अच्छी सी नई वीडियो में। तो लाइट की वजह से ना तो मैं आज पर्दे धो पाई और ना ही पेड़ों में पानी डालना वो डाल पाई। देखो कब आती है, यहाँ तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आए या फिर 2 दिन बाद आए, कोई मतलब है ही नहीं भरोसा। तो यहीं पे एंड कर देते हैं अपनी वीडियो की, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं फिर से ऐसे ही अच्छे से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय, लव यू ऑल। Thank you.